हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार से रिलेटेड है। रिसेंटली वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार ने अपना फ्लाई जिना के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि उनके साथ काफी बुरा रहा है। उन्होंने फ्लाई जिना से डिसअपॉइंट होकर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, फर्स्ट टाइम फ्लाइंग विद फ्लाई जिना, एवरी 30 मिनट इज अनदर अनाउंसमेंट ऑफ डिले, नॉट अ गुड सर्विस। मैंने तो कभी इसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं किया, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो बेकार फिल्म्स के मेंबर गजनफर से रिलेटेड है जो कि पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो जब वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे तो मुबीन उलक ने एक वीडियो शेयर की थी, तो पहले तो आप लोग उनकी वो वीडियो चेकआउट करें। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू जर्नी। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हुए हुए कि जिसके पास भी रिसोर्सेज वगैरह हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जाता जा रहा है। अगर इन हालातों में पाकिस्तान में सरवाइव करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरह। हमारी जो अगली न्यूज है वो इकरा कमल से रिलेटेड है। रिसेंटली इकरा कमल का जो इंस्टा अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है और उनको जो ब्लू टिक है वो मिल चुका है। उसी के रिलेटेड उन्होंने लिखा, फाइनली इट्स बिकॉज ऑफ योर लव दैट ऑल ऑफ दिस हैज बिकम पॉसिबल, यू गाइस आर माय फ्रेंड, कीप लविंग ऑलवेज, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू इकरा कमल। इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरह। हमारी जो अगली न्यूज है वो नटकट वाइटी और एफएम रेडियो गेमिंग के दरमियान जो सारी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही थी उसी के रिलेटेड है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नटकट वाइटी की कुछ वीडियोस दिखाई थी और एफएम रेडियो का उसके ऊपर आप लोगों को रिप्लाई दिखाया था। एफएम रेडियो गेमिंग ने जब नटकट वाइटी को रिप्लाई दिया तो उसके बाद नटकट वाइटी ने अपने चैनल पे मजीद एक वीडियो अपलोड की जिसमें एफएम रेडियो गेमिंग के अगेंस्ट काफी ज्यादा मजीद बातें करते हैं। नटकट वाइटी ने जब ये वीडियो अपलोड की, नटकट वाइटी ने उस वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आपने वाकई इस्लाम के लिए मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई है तो आप पबजी मोबाइल के उस सूट का बायकॉट करो। नटकट वाइटी की ये बात कहनी थी, एफएम रेडियो गेमिंग ने कुछ ही देर बाद अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें वो सूट का रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो नटकट वाइटी के लिए एक मैसेज भी शेयर करते हैं, वीडियो का वो पार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वीडियो मेरे मकसद इसलिए अपलोड करने का, मैं लास्ट पे बता दूं, नटकट भाई ने बोला था कि आप अगर सच्चे मुसलमान हो या आप पबजी के खिलाफ बोल सकते हो तो आप वीडियो लगाओ। तो नटकट भाई, मैंने वीडियो लगा दिया। अब आई होप आपको यकीन हो गया होगा कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी या मेरे दिल में आपके रिलेटेड कोई मुनाफ़क़त हो। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाई मैं आपको हेट करता हूँ या कुछ। मैंने सिर्फ ये बोला था कि मेरा कहने का मकसद ये था कि आप हमसे पहले डिस्कस कर लेते तो शायद यहाँ तक ये नौबत ना आती। हेलो एवरीवन, यार पब्लिक आप लोगों को एक बात बतानी थी, जो मैंने सेकंड चैनल पे वीडियो डाली थी ना, मैं उसको प्राइवेट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से ना कंट्रोवर्सी बहुत बनती जा रही है, लोग उसको गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं उस वीडियो को ना प्राइवेट कर रहा हूँ और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसने व्यूज के लिए किया। यही बात मैंने उस वीडियो में भी बोली थी, अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर भी लोग मुझे बोलेंगे व्यूज के लिए कर रहा है, अगर नहीं करूंगा तो फिर लोग बोलेंगे जी ये बोलते नहीं है। अब मैंने सेकंड चैनल मेन चैनल पे वीडियो अपलोड करी है, उसमें भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई इसने व्यूज़ के लिए अच्छा तरीका ढूंढना है वीडियो वायरल करने के लिए। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है यार किसको व्यूज़ की ज़रूरत है किसे नहीं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की है और मैं उसी में खुश हूँ, मुझे इस्लाम के नाम पर व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। सो पब्लिक मेन टॉपिक पे आते हैं, तो मैं वो वीडियो प्राइवेट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आप ये ना बोलो कि पता नहीं किसी से डर गया या क्या हुआ, ऐसा कोई सीन नहीं। मुझे लग रहा है कि ये बात कहीं और जा रही है, तो इससे बेहतर है कि मैं वीडियो प्राइवेट कर दूं सेकंड। तो इनके दरमियान जो भी सारा सीन वगैरह था वो खत्म हो चुका है। एफएम रेडियो गेमिंग और नटकट वाइटी दोनों की रिसेंट वीडियोस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड है। रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की जो इनकम है वो काफी ज्यादा वायरल चल रही है। कुछ आर्टिकल्स में बाबर आजम की जो इनकम है वो स्पॉन्सर एड वगैरह के थ्रू तकरीबन $2,50,000 तक ईयरली बताई जा रही है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी की स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह के थ्रू जो अर्निंग है वो $1,70,000 तक बताई जा रही है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4,90,00,000 रुपए तक बनते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं लेकिन इसके रिलेटेड कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो इतना अर्न करते हैं इससे ज्यादा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। हमारी जो अगली न्यूज है वो आईशो स्पीड से रिलेटेड है। रिसेंटली अब्दुल्ला नाम का एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो कि ऐसा पहला पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसने आईशो स्पीड के साथ मुलाकात की है। आईशो स्पीड के साथ मुलाकात करते हुए व्लॉग भी बना रहे होते हैं, तो उनका व्लॉग का एक छोटा सा पार्ट में आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। Obrigado. Hello.
जान का सामान। और यार बात अगर आईशो स्पीड के रिलेटेड चली रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यार आईशो स्पीड जो है वो एडिलेड ओवल पहुंच चुके हैं विराट कोहली को सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है उसके रिसेंट मैच में आईशो स्पीड जो है वो इंडियन जर्सी में हमें दिखाई दिए हैं। जिस तरीके की इंडियन टीम की परफॉर्मेंस आ रही है लगता है कि आईशो स्पीड जो है वो आखिरी दफा ही देखने गए। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो एक टिकटॉकर से रिलेटेड है, जिसने रिसेंटली कराची के एक पुलिस स्टेशन से एसएचओ की सीट पे बैठ के एक वीडियो शेयर की थी। जैसे ही उसने ये वीडियो शेयर की तो ये काफी ज्यादा वायरल जाने लगी और फिर कराची की पुलिस ने इसे पकड़ लिया और फिर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के उससे एक वीडियो शेयर की है, तो वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट करें। जाफर कहाँ रहता है? रंगी क्रॉसिंग। क्या हुआ था उस दिन जो तुमने वीडियो बनाई यहाँ का? उस दिन हमारे पास गाड़ी के पेपर नहीं थे, हमने उठाया था, यहाँ थाने ले आए थे तो घर वाले पेपर लेकर आ रहे थे, तो उस दौरान मैंने वीडियो बना ली थी। क्यों बनाई थी वीडियो आपने? बस पता नहीं चला ऐसी बात, जल्दी में बना ली थी, तो मैं पूरे थाने से माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और मौका दिया जाए और मैं अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, तो आपकी मेहरबानी होगी मुझे एक मौका दिया जाए ताकि मैं ऐसा दोबारा करूँ। सर इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं फिर भी लोगों को समझ नहीं आती, फिर उन लोगों का तो अल्लाह हाफिज़ है। अगर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।